नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस फॉर द अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम। जैसा कि आपको पता है कि वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्जाम 11th ऑफ फरवरी को हुआ था, और उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि आपका सिलेबस जो आने वाले टाइम में सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का है, ठीक है, उसको रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन पेपर से जो पेपर अभी आया है रिसेंट में। जैसे कौन सा क्वेश्चन पर्सनैलिटी से आया, कौन सा कल्चर से आया, कौन सा जेएंडके से आया, सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। सबसे पहली बात यह है कि पुराने जितने भी लेक्चर आए हैं वो आपने देखने हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले वही इन्फॉर्मेशन में शेयर कर देता हूं, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर की ओर, ठीक है। तो जस्ट वन मिनट, एक मिनट रुकना आपने। हाँ, तो ये कुछ लेक्चर हैं, जैसे जे एंड के जीके रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, ये लेक्चर आपको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेक्चर से 4 घंटे का लेक्चर है, स्पीड में देखना है। इससे आपके जो 5-7 नंबर जो है, कल भी पेपर जो हुआ है, 7-8 क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको जीके विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की पीडीएफ आपको अपलोड की कर दी गई है, ठीक है। ये पीडीएफ बनी थी कब, 23rd of January को, ठीक है। ये पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम का भी और ऐप का भी। आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी जीके की मैराथन क्लासेस आपकी चल रही है, मैं वेट कर रहा था, 2-3 दिन लेट इसलिए हुआ, मैं देख रहा था कि फार्मेस्ट एग्जाम जो हुआ है अभी रिसेंटली उसमें क्या पैटर्न चेंज होता है। दूसरी बात ये थी कि पुराने लेक्चर्स में माइक की दिक्कत आ रही थी, तो आज माइक नहीं है, और आज कमेंट करके बताना कि आवाज कैसी आ रही है, ठीक है, आ रही है अच्छी या नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये माइक आज मैंने नया वाला ऑर्डर किया था, आज ही मेरे को माइक मिली है दूसरी वाली। तो अब जो है लेक्चर जो है, क्योंकि अगर हम लेक्चर रिकॉर्ड भी कर देंगे तो अब तक वो इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से पहुंचे नहीं, तो वो फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने वेट किया कि चलिए माइक आती है तो हम लेक्चर सीरीज मैराथन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप हमारी यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करके, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं। जस्ट वन मिनट में बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि भी लेक्चर में मैं बाकी चीजें बोलता नहीं, फिर मैं सीधा लेक्चर में घुस जाता हूँ, ठीक है। ये कोर्सेज है, फीमेल सुपरवाइजर का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ फुल कोर्स मिलेगा। नायब सिलदा का फुल कोर्स चल रहा है, जेके पीएससी प्रीलिम्स 2024 का चल रहा है, जेके पीएससी की आने वाली कोर्सेज का फुल कोर्स चलेगा, ठीक है। मॉक टेस्ट नहीं, फुल कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको वीडियो भी मिलेंगी, साथ में लेक्चर्स भी मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, सारी चीजें मिलेंगी। वेटनरी फार्मेसिस्ट का मॉक टेस्ट था, ये खत्म हो चुका है। पटवारी के मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, कोर्स भी अवेलेबल है पटवारी का, और सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का और फाइनेंस इंस्पेक्टर भी की मॉक टेस्ट हम लॉन्च करने वाले हैं 1-2 दिन में ही। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो है वो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप इनमें से भी कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं फ्रीली। बाकी जीके की मैराथन क्लासेस आपकी फ्रीली यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रही है, ठीक है। आज है 12th of February को ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब इस पीडीएफ में, ये जो पीडीएफ आपकी जीके विद रिस्पेक्ट टू जेएंडके, अब मैं बार बार इस पीडीएफ का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है, ये जो टॉपिक है, ये मेरी एक किताब आई थी मार्केट में, ठीक है, मेरी ऑलरेडी 4-5 किताबें मार्केट में चल रही है, ठीक है। बट ये जो किताब आई थी मार्केट में, ये उसका कंटेंट है, उसका पीडीएफ आपको दी गई है, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। इसके लिए जीएस मैराथन की सारी क्लासेस दी गई है। ऐप पे जब भी आपको दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल डाउनलोड करने की, जहां ऐप को अनइंस्टॉल करना है, दोबारा से इंस्टॉल करना है, अपनी जो ऐप में कैशी होता है उसको क्लियर करना होता है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो कल का पेपर आया है, आई मीन टू से दैट की जेके एसएसबी किसका, ये जो आपका पेपर आया है फार्मासिस्ट का, ठीक है, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और इसको रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे हम किसके साथ, आपका सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के सिलेबस के साथ। जस्ट वन मिनट में एक बार सिलेबस देख लेता हूं आपका। हाँ, दूसरी बात यह है कि मैराथन क्लासेस की, जैसे आपका दूसरे बात यहां पे फर्स्ट इन वर्ल्ड में से आपके कल भी जो पेपर हुआ उसमें से, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं मैराथन क्लासेस में एक लेक्चर एक नंबर आपका बढ़ेगा, एक नंबर आपका, मैं अभी बोल रहा हूं, एक नंबर आपका सिलेक्शन रोक सकता है, ये मैंने प्रैक्टिकली कल भी देखा है लोगों को, ठीक है, और बहुत सारे अपने लोग भी हैं जो इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट बन जाता है जीके का, तो वो आपने छोड़ना नहीं है। न्यूज़पेपर वर्ल्ड करंट एंड डेली वीकली, इसमें हमने पर्सनैलिटी भी कवर की है, ठीक है, तो वो लेक्चर भी देखना है, सस्टेन डेवलपमेंट वाला भी देखना है, और एक प्लेलिस्ट है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आपने मैराथन क्लासेस का प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की अलग से है, फीमेल सुपरवाइजर की अलग से है, ये कहां पे, यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। तो मैराथन क्लासेस सारी देखनी है,
चलिए अब देखते हैं हम वेटनरी फार्मासिस्ट में क्या क्वेश्चन आए थे और आपका रिलेट करते हैं आपके सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के साथ। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के, ठीक है। उससे पहले मैं वो डिस्कस करूंगा कि जीके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर में से फर्स्ट इन वर्ल्ड फर्स्ट इन इंडिया पॉपुलर पर्सनैलिटी में से क्वेश्चन क्या आए थे कल के एग्जाम में, ठीक है। तो वह हम देखते हैं इसी तरीके से, क्योंकि सिलेबस को रिलेट करके चलेंगे तो अच्छी बात होगी हमारे लिए, ठीक है। पॉपुलर पर्सनैलिटी से क्या है, फर्स्ट इंडिया वर्ल्ड और न्यूज़पेपर कल्चर वगैरह से और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इतना से सिलेबस देख लेते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जेकेएसएसबी से क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक डिस्कवरी से क्या क्वेश्चन आया है। तो फाइनेंस अकाउंट में क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया फाइनेंस अकाउंट में। अब कल का जो पेपर हुआ है किसका, कल का पेपर हुआ है फार्मासिस्ट का, उसमें क्या आया है कि वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर किया। आगे क्वेश्चन साइंटिफिक डिस्कवरी से, फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में आप डिस्कवरी भी लिखा है ना, तो अब ये बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन साइंस से भी हो सकता है, साइंटिफिक डिस्कवरी से भी हो सकता है, पॉपुलर पर्सनैलिटी से, हिस्ट्री से। उसका है भगत सिंह पे क्वेश्चन आया, ठीक है, कल क्वेश्चन आया, ठीक है। पुराने पेपर में फाइनेंस अकाउंट में आया है डू और डाई किसने नारा दिया, ठीक है। और स्टॉक असिस्टेंट में क्या आया था, और फाइनेंस अकाउंट में वो आया था ये अपना ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आया। तो पॉपुलर पर्सनैलिटी इस तरीके से कवर करनी है, ठीक है। आल तो मैंने सारी कवर कर दी है, आप लेक्चर देख सकते हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अब कल के पेपर में और देखते हैं कि कल्चर आपका लिखा है लैंग्वेज एंड कल्चर, इंडिया के कल्चर से क्या आया है, और फिर देखें और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे लिखी हुई यहां पे लिखा हुआ ब्रिक्स, इंपॉर्टेंट रीजनल ब्लॉक लिखा है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स से क्वेश्चन आया क्वेश्चन रिलेट करना है। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर अभी अपलोड होंगे, सारे टेंशन लेनी है, लेकिन ब्रिक्स से क्वेश्चन आया, यस। साइंटिफिक सर्विस से क्वेश्चन आया, यस। लैंग्वेज कल्चर से क्वेश्चन आया, कल्चर से यस आ गया। स्पोर्ट्स से आया, यस आ गया। आया नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, क्वेश्चन आया नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। हम एनालिसिस सारा करेंगे ताकि आपका आने वाले टाइम में एनालिसिस नेशनल स्पोर्ट्स डे क्वेश्चन आया है, आया ना, तो हमें बड़े ध्यान से देखना है। ये 20 नंबर में से 18-19 नंबर से कम नहीं आने चाहिए आपकी सिलेक्शन में, खासकर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में। जीके में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर आपकी सिलेक्शन रोक सकता है, दो नंबर आपकी सिलेक्शन रोक सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीजों को ना छोड़ जाएं। अब इसी तरह से हम देखें जम्मू कश्मीर का स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर देखें, क्या इसमें से क्वेश्चन आया। इसी में आपका एक सिलेबस है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स मोस्ट फेमस अवार्ड्स, भारत रत्न से क्वेश्चन आया, भारत रत्न से क्वेश्चन आया, आया जी बिल्कुल आया है। फिर हम देखे कम्युनिकेबल डिजीज और वाइटामिन से क्वेश्चन आए, वाइटामिन से तीन क्वेश्चन आए, फार्मासिस्ट में तीन क्वेश्चन आए वाइटामिन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में से कम अप्रॉक्सिमेटली 9 से 10 क्वेश्चन आए यहां से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स मिला के, इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स मिला के, बाद में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में से 9 से 10 क्वेश्चन आए, ठीक है, 9 से 10 क्वेश्चन आए पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। और इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक में से ये मिला के आपके ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन 9-10 जो आए हैं वो भी हमें देखने हैं किस तरीके। कुछ जल गया है किचन में, देखना पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन से क्वेश्चन क्या आया है वो तरीके देखना है। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक से क्वेश्चन आया, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट रुकना आपने। ओके तो जस्ट 1 मिनट, आज आवाज नहीं रुकने वाली है आपको। ओके तो ये क्वेश्चन यहां से निकले, अब कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन लेनी है आपने, हम सिर्फ लेट तो कर लें, पहले लेट तो कर लें कहां कहां से क्वेश्चन निकल रहे हैं, किस तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जे एंड के का देखेंगे, जे एंड के का अगर देखें जे एंड के से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, देखिए जे एंड के का कल्चर से क्वेश्चन आया, बिल्कुल जी कल्चर से क्वेश्चन कैसे आया, जैसे डांस फॉर्म ऑफ जे एंड के, उसमें से जैसे पूछा था लेतरी, अगर हम बोले तो दिस इज द वन टाइप ऑफ ग्रास कटिंग, डोगरी में बोलते हैं, पहाड़ी रीजन में लेतरी बोलते हैं, किसको लेतरी बोलते हैं, घास काटने के लिए। तो लेतरी डांस जो है परफॉर्म किया जाता है किसे,
वो इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से क्वेश्चन आया। ऑल्दो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर का कल्चर के बाकी चीजें भी हमने कवर करनी है जब जीके विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर का मैराथन लेक्चर आएगा उसमें, लेकिन पुराना वाला लेक्चर आपने देखना क्योंकि उसमें मोस्टली चीजें कवर हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास रिवर एंड लेक्स में आया, लेक्स में से आपका वुलर लेक का पूछा गया कि लार्जेस्ट कौन सी लेक है जे एंड के में, उसमें से आया। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो हम कह सकते हैं, बट रिलीजियस प्लेसेस पे तीन चार क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस में हम बोले मार्टन सन टेम्पल के बारे में पूछा है, बार बार क्वेश्चन जेकेएसएसबी मार्टन सन टेम्पल पे बार बार पूछ रहा है। इस तरह से अमरनाथ श्राइन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अगर ये पूछा जा रहा है तो आपको रिलेट करके अगले आने वाले टॉपिक के लिए भी पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी तरह जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन से कल क्वेश्चन तो कोई नहीं आया फार्मासिस्ट में, बट आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली लिखा गया है कि जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट मींस जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन तो आना ही है, जे एंड के पंचायती राज एक्ट से क्वेश्चन आना है, लेकिन बाकी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो हमें इंपॉर्टेंट है। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा है, यहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा है, आपका पूछा है चिनोनी नाशरी टनल कहाँ पे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रोड कम्युनिकेशन में चिनोनी नाशरी टनल का नाम पूछा है कि दोबारा ओल्ड नेम क्या है, ठीक है। वो अभी मैं बताने वाला हूँ कि इस पीडीएफ में जो जीके विद रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर की एक पीडीएफ अपलोड हुई है उसमें ये सारी चीजें कवर है, ठीक है। और कुछ चीजें हम आने वाले टाइम में मैराथन क्लासेस में कवर करेंगे, बट ट्रांसपोर्ट सिलेबस के रिलेट करें चले तो कहां से पूछा चिनोनी नाशरी टनल, ठीक है, तो यहां से पूछा है रोड एंड ट्रांसपोर्ट इसके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में जम्मू कश्मीर के बात बोल रहे तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में हमारे पास देखो, अगर आप मान के चलिए क्वेश्चन एक आया फादर ऑफ गजल्स, ठीक है, फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स, फादर ऑफ कश्मीरी गजल का क्वेश्चन आया, फादर ऑफ कश्मीरी गजल पूछा है, फादर ऑफ डोगरी लैंग्वेज, ठीक है, डोगरी लैंग्वेज का पूछा है। अब मेरे को बताइए कश्मीरी, अगर हम देखें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारी पांच है, बट लैंग्वेजेस के बेसिस पे भी अगर हम देखें तो फादर ऑफ कश्मीरी गजल का भी पता होना चाहिए, गजल पोइट्री का भी पता होना चाहिए और डोगरी का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिटरेचर के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है कि उस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन आया है, और वो भी पर्सनालिटी में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी भी जे एंड के की रहती है, उसमें हम वो चीजें भी कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी चीजें जो साइंस से, अब जैसे लास्ट लेक्चर में भी जब मैंने इस सिलेबस को डिकोड किया था, अगर आपको याद हो स्ट्रेटजी के टाइम में, स्ट्रेटजी जब मैंने डिस्कस करी थी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, उस टाइम में मैंने आपको बोला था कि आपको क्या चीजें देखनी है, जैसे मैंने बोला था उसी टाइम, ठीक है, मैंने बोला था ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जस्ट वन मिनट, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में किसने लिया, आइंस्टाइन ने दिया, नो न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने दिया ना, न्यूटन ने कंसेप्ट किसका दिया, ग्रेविटी का भी दिया है। मैंने उसी टाइम, अब पुराना लेक्चर जाके देख लेना, मैंने उस टाइम भी बोला था कि आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ये उस लेक्चर, आज का नहीं, वो पहले का लेक्चर बनाओ जिसमें मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी साइंस को लेके, बाकी वाले टॉपिक को लेके, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि आपको सिलेबस को डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। जब तक आप डिकोड नहीं कर पाएंगे तब तक सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट बन जाता है सिलेक्शन लेने के लिए, उनसे पूछिए जिनके जो बच्चे दो दो नंबर से रह रहे हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दो नंबर तीन नंबर से रह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्ट्रेटजी एक प्लान को लेके तो चलें, जब तक आप एक किसी की बात मानेंगे नहीं तो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे। यू मस्ट हैव ट्रस्ट समहाउ, जो चीजें बताई जा रही है किस तरीके से करनी है तो इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करें या फिर एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट पे भी क्वेश्चन आए ना, जैसे इसी लेक्चर में मैंने बताया था भाई सन, जैसे इसमें मैंने बताया था पीरियडिक टेबल की एग्जांपल लेके बताई थी आपको, पीरियडिक टेबल अभी भी बता रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं मैं, पीरियडिक टेबल पूरा का पूरा देखना है भाई, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, कौन सी गैस किसमें पाई जाती है वो इंपॉर्टेंट है। और जैसे क्वेश्चन पूछा है कि सन में कौन सी गैस पाई जाती है, तो पता होना चाहिए ना हाइड्रोजन, मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था ये, अभी अगर इसमें कल को क्वेश्चन आ जाता दोबारा से ऐसा यूनिट मेरे को बताइए, ऐसा यूनिट अगर क्वेश्चन आते हैं, रेजिडेंस का पूछ ले, मोशन का पूछ ले, रेस्ट का पूछ ले, वेलोसिटी का पूछ ले, एक्सेलरेशन का पूछ ले, किसी का भी पावर का पूछ ले, अभी इसी में से वेव और लाइट वेव लिखा है, कल को अगर क्वेश्चन आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन आ जाए तो आना चाहिए ना, आना चाहिए, समझ रहे हो। तो साइंस जीके जे एंड के और ये इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन कल के पेपर में आए हैं रिलेट करके मैं बता रहा हूं आपको, और ये आपके अगले एग्जाम के लिए भी, अपकमिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग। वाइटामिन से तीन क्वेश्चन आए, आज उसका सिलेबस अलग से था, 50 नंबर खाली जीके गए थे उसके फार्मासिस्ट के एग्जाम में, बट आपके सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ वाइटामिन लिखा है ना, वाइटामिन एंड डिजीज एंड डेफिशिएंसी, तीन क्वेश्चन यहाँ पे पाए गए, किसमें, फार्मासिस्ट वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जाम में तीन क्वेश्चन पाए गए। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तो टॉपिक को समझना है। अब ये विटामिन का क्वेश्चन जेकेएसएसबी का कोई भी पेपर उठा लो, विटामिन का क्वेश्चन है ही है,
आप उन नंबर को तो पक्का करिए कि जिसमें जेकेएसएसबी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहे हो। अब देखिए इसमें यहां पे ग्रीन हाउस पैक्ट में भी कल क्वेश्चन आया, कौन सी गैस गैस ग्रीन हाउस में आती है नहीं आती है, सिलेबस को रिलेट करना है ना, सिंपल क्वेश्चन है। वहां पे भी देखिए गैसेस के बारे में पूछा है कि कौन सी गैस इसमें पाई जाती है, विटामिन के क्वेश्चन आया है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो ठीक है। नहीं अब इकोसिस्टम पे, अब तो आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम में जैसे सबसे प्राइमरी एनर्जी क्या है हमारे पास, सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से तो सारा सिस्टम चल रहा है ना। इस पे क्वेश्चन यहां से आया, बिल्कुल आया, रिलेट करके चलना है। अब कल को क्वेश्चन, अभी आज ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम पे क्वेश्चन आएगा, जाइलम एंड फ्लोएम पे क्वेश्चन आना है आपका, सेवन स्पेक्टर फाइनेंस में या इंस्पेक्टर में, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स लिखा है इसमें, ट्रांसपोर्ट और वाटर अगर आपने बायो रखी थी कभी 11th 12th में तो आपको याद होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स क्वेश्चन क्या बनता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर द टिश्यू इन द प्लांट्स दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर फूड एंड मिनरल्स। अब फूड कौन करता है, वो फ्लोएम, पी से फ्लोएम, बी से एफ से फूड, वाटर मिनरल कौन करता है, जाइलम टिश्यू है। अभी तक मैंने रिलेट करके आपको ये चीजें बता दी, अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं। देखिए आप सोच रहे होंगे वो क्वेश्चन क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे ना, पेपर आपके पास भी पड़ा हुआ है, बट हम रिलेट तो करें पहले सिलेबस के साथ कि सिलेबस में से आ क्या रहा है, ठीक है। जस्ट वन मिनट, ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं हम पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी में अगर देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा है भगत सिंह पे, भगत सिंह पे क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर तो स्पेसिफिकली आपको आना चाहिए, ठीक है, 23rd of March को। फिर पूछा है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, सिलेबस में दिया लैंग्वेज एंड कल्चर, आपका सिलेबस में दिया लैंग्वेज एंड कल्चर। अब लैंग्वेज एंड कल्चर का भी लेक्चर आने वाला आपका, उसमें भी कवर होगा, ठीक है। बट उसमें क्या है कि पर्सनैलिटी जैसे क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में से कौन सा है, तो पंडित भीमसेन जोशी, ठीक है, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट थे। इस तरह से पुराना जो पेपर आया उसमें पूछा गया है अमीर खुसरो जो है वो किस क्लासिकल म्यूजिक से बिलोंग करते थे, तो वो क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था, ख्याल एंड तराना, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक। तो इंपॉर्टेंट है कि उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्लासिकल म्यूजिक पढ़ के जाएं और इन लोगों के नाम पढ़ के जाएं जिन्होंने कुछ आर्ट एंड कल्चर में कुछ अपना योगदान दिया है, ठीक है, इंडिया में। तो इंपॉर्टेंट है कि उस तरीके से सारे पढ़ के जाना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के, स्पेसिफिक वॉल्यूम में, तो जे एंड के का जितने भी टॉपिक हैं ये स्पेसिफिक सिलेबस आप में क्या लिखा है, जे एंड के एक बार दिखा देता हूं मैं, जे एंड के का सिलेबस, जस्ट वन मिनट, जे एंड के का सिलेबस, यहां पे देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सबको पूछा है, यहां पे पूछा है हिस्ट्री, ये आ गया आपकी हिस्ट्री, ये इकोनॉमी, ये आ गया आपका ज्योग्राफी का टॉपिक, ज्योग्राफी का टॉपिक, ये आ गया आपका कल्चर, ये आ गया आपका पॉपुलर पर्सनैलिटी जे एंड के की, ठीक है, चाहे वो डोगरी में हो, कश्मीरी में हो, लिटरेचर में हो, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, आपको पता चल जाएगा। कल्चर में फोक डांसेस हो वो पढ़ने हैं आपने, ठीक है, और इकोनॉमी मैंने बता दिया आपको, सैफ्रॉन कल्टीवेशन वगैरह वगैरह जितना भी है, पश्मीना शाल्स वगैरह, जिनको जीआई टैग मिला है, बसूली पेंटिंग, ये क्या इकोनॉमी का है टॉपिक आपका। फ्लोरा एंड फौना में क्या आ गया, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिवर्स और लेक्स, जे एंड के की सारी पता होनी चाहिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में रिलीजियस प्लेसेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसी को लेबरेट करके कि रिलीजियस पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, रिवर्स एंड लेक्स पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमी से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कल्चर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री से, पॉपुलर से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से आए हैं। और साथ साथ में मैं आपको एक डिकोड करके आपको अपनी पीडीएफ जो 23 जनवरी को अपलोड हुई थी उसमें से बता देता हूं कि भाई क्वेश्चन डायरेक्टली उधर से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका यहां पे, भजन सोपुरी इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट, तो इसका आंसर है संतूर। सोपुरी इसलिए कि ये सोपुर के रहने वाले थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की एक सोपुर आ गई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहां पे संतोष से। लेतरी डांस जो है दिस इज फॉर द लेबर डांस, मैंने बता दिया लेतरी मतलब हो गया घास काटना, जिसको डोगरी में बोलते हैं का कटना, ठीक है, का बढ़ना, मतलब हो गया अगर आप
इफ यू बिलोंग फ्रॉम द रूरल एरिया, ठीक है, पहाड़ी इलाके से, तो यू मस्ट नो दैट लेतरी क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि गांव में क्या होता है कि आप बोलते हैं कि आज इसकी लेतरी है, कल उसकी लेतरी है, परसों उसकी लेतरी है। लेतरी मीन्स ग्रास कटिंग, ठीक है, इंग्लिश में। और ये एक टाइप का लेबर डांस नहीं है, मतलब लेतरी मतलब घास काटने के लिए जाते हैं लोग, डोल शोल लेके जाते हैं, डोल बजता रहता है, लोग घास काटते रहते हैं, ठीक है। दैट इज वन टाइप ऑफ द लेबर डांस जो कि कॉमन सेंस में पूछा गया है। फिर पूछा गया मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी इज, तो मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी क्या है, रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। मार्टिन सन टेम्पल कहां पे लोकेटेड है, इस पे क्वेश्चन पूछा है, मार्टिन सन टेम्पल पे। तो ये बिल्ड किसने किया है, बिल्ड किसने किया है, दिस इज द ललित आदित्य, ठीक है। ये कारकोटा डायनेस्टी से थे, कारकोटा डायनेस्टी से थे। दूसरी बात ये है कि ये कहां पे है मार्टिन सन टेम्पल, दिस इज इन द अनंतनाग, अनंतनाग है। दूसरा पूछा है किस गॉड को बिलोंग करते, दूसरा क्वेश्चन इसका, तो है कौन सा गॉड, सन गॉड, सूर्य, सूर्य, ठीक है। सूर्य गॉड जो है सन को बिलोंग करते हैं, मार्टिन सन टेम्पल, इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। फादर ऑफ कश्मीरी गजल पूछा है, फादर ऑफ कश्मीरी गजल, तो ये है रसूल मियर, रसूल मियर जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ कश्मीरी गजल्स। और फादर ऑफ कश्मीरी पोएट्री अगर कल को क्वेश्चन आता है, वो आता है रहमान राही, इनको ऑलरेडी अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इस इनको कौन सा अवार्ड मिला है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, पीडीएफ में आपको जो पीडीएफ मिली है उसी में आपको पता चल जाएगा। फादर ऑफ डोगरी जो है किसको बोला जाता है, रामनाथ शास्त्री, इनको जो है फादर ऑफ डोगरी बोला जाता है, इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इसके लिए, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। दूसरा सैफ्रॉन कल्टीवेशन, तो सैफ्रॉन कल्टीवेशन नॉर्मली क्या होता है, सैफ्रॉन पे क्वेश्चन तो बार बार जीकेएस से पूछता है, यहां तो वो पूछ लेगा कि भाई इंडिया में सोल प्रोड्यूसर कौन है सैफ्रॉन के लिए, वो जम्मू कश्मीर है। दूसरा ये क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएस भी, दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछता है सैफ्रॉन पे, तो हम अभी डिस्कस कर ही लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन सैफ्रॉन पे बनते हैं और जेकेएसएस भी बार बार इस पे क्वेश्चन पूछता है सैफ्रॉन के बेसिस पे। अब सैफ्रॉन के बेसिस पे क्वेश्चन जो आते हैं मोस्टली, एक सैफ्रॉन फेस्टिवल कब मनाया जाता है, दिस इज द नवंबर में, सैफ्रॉन में पूछा जाता है भाई, दिस आर द कैरवा सॉइल पे, कैरवा सॉइल पे जो है कल्टीवेशन होती है। दूसरा आपका पता होना चाहिए कि इट इज जस्ट कल्टीवेशन। चलिए मैं थोड़ा सा सैफ्रॉन के ऊपर और चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। सैफ्रॉन एक तो आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है जस्ट कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये पेम्पोर रीजन है, पेम्पोर रीजन, ठीक है, पेम्पोर इन पुलवामा, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, पुलवामा या सोपोर, पेम्पोर, जस्ट वन मिनट, पेम्पोर, पेम्पोर रीजन, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ठीक है। जब तक मैं चेक कर रहा हूं तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, एक मिनट रुकना आपने। इसको सैफ्रॉन टाउन ऑफ, सैफ्रॉन टाउन भी बोलते हैं, ठीक है, सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ डाटा नोट करना, सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर इसको यह बोला जाता है, पेम्पोर को, ठीक है, पेम्पोर को, ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, पुलवामा ही इसका आंसर है, ठीक है, पुलवामा में ही पाया जाता है पेम्पोर रीजन। और इसी से एक फेमस पोइट भी रही है जिसका नाम है क्या है, हबा खतून, हबा खतून यहां से। और खबा खतून जो है एक गुरेज वैली, गुरेज वैली, ठीक है। हबा खतून को जून भी बोला जाता है, जेड डबल ओ इनका नाम दूसरा था, ठीक है। और ये यहीं से है पेम्पोर रीजन से, ठीक है। और एक पी का भी नाम रखा गया है हबा खतून, वो है गुरेज, गुरेज वैली, गुरेज वैली अलग डिस्ट्रिक्ट से आता है, ठीक है, गुरेज वैली इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो इंपॉर्टेंट है कि गुरेज वैली कहां पे है, हबा खतून, आज आवाज नहीं रुकेगी, मैं खुद इसको वो कर रहा हूं। चलिए आगे हम देखते हैं सैफ्रॉन कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, जेस्ट कल्टीवेशन, इंपॉर्टेंट है। पेम्पोर इज द सैफ्रॉन टाउन ऑफ कश्मीर, इंपॉर्टेंट है, सैफ्रॉन टाउन किस को बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि पेम्पोर सैफ्रॉन की जेस्ट कल्टीवेशन, ये तो मैंने बता दिया। और क्या है सैफ्रॉन के लिए इंपॉर्टेंट, नवंबर में सेलिब्रेट होता है, ये मैंने बता दिया। और इसके अलावा अपने सैफ्रॉन के लिए याद करना है कि दीज आर ऑन द कैरवा सॉइल्स, कैरवा सॉइल्स, कैरवा सॉइल जो है, कैरवा सॉइल जो है इनको क्या बोलते हैं, एलिवेटेड, एलिवेटेड
टेबल लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद करना है, एलिवेटेड टेबल लैंड जो है केरवा सॉइल को किस सॉइल पे उगाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। पेम्पोर रीजन जो है, आल्दो सैफ्रॉन जो है भद्रवाह में भी उगाया जाता है, बट मोस्टली इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो पेम्पोर में होती है। और जे एंड के इज द सोल प्रोड्यूसर, इंपॉर्टेंट है, इंडिया में जे एंड के इज द सोल प्रोड्यूसर, ठीक है। सोल प्रोड्यूसर कौन है? जे एंड के, पूरे इंडिया की बात करें हम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड और सैफ्रॉन के रिलेटेड, दीज आर द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सैफ्रॉन, ठीक है। और कुछ भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे, बट इतना पता होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए सैफ्रॉन को जीआई टैग भी मिल चुका है, इंपॉर्टेंट है वो। गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग इज ओरिजिनली नेम्ड गोरीमार्ग एंड वाज रीनेम्ड गुलमर्ग बाय होम। तो इंपॉर्टेंट है कि ये गुलमर्ग जो है ये नाम किसने चेंज किया था, तो वो थे चक डायनेस्टी से यूसुफ शाह चक जो थे, इन्होंने ये नाम चेंज किया था गोरीमार्ग से गुलमर्ग, ठीक है। तो गुलमर्ग से एक आपको पता होना चाहिए कि गुलमर्ग इज आल्सो नोन एज द मीडो ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द मीडो ऑफ फ्लावर्स, तो गुलमर्ग से, गुल से होता है फ्लावर, गुल से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि गुलमर्ग में एक और चीजें हैं मीडो ऑफ फ्लावर्स, दूसरा ये है कि वर्ल्ड का गोल्फ जो है, गोल्फ हाईएस्ट लेवल पे गोल्फ कहां खेला जाता है, वो इंपॉर्टेंट है कि वो गुलमर्ग में। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्काइंग एंड गोल्फ जो है ये एक कहां खेला जाता है, गुलमर्ग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है, इन विच ईयर हरि सिंह असेंडेड द थ्राउन एज ए महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर, दिस इज इन द 1925 में। किराया महाराजा हरि सिंह पे दो क्वेश्चन आए, ठीक है। महाराजा हरि सिंह पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन कब साइन हुआ, बार बार बोलता हूँ, महाराजा हरि सिंह पे कितनी बार मैंने क्वेश्चन आपका फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड लेक्चर में पहली बात ही जम्मू कश्मीर से मैंने स्टार्ट करी थी और राजा हरि सिंह से स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट समझ नहीं है आपने, जब मैं चीजें उस तरीके से पढ़ाता हूं तो वो चीजें समझ नहीं है। हु इज नोन एज द नाइट एंजल ऑफ कश्मीर, तो ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। हबा खतून, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज हाइडस्पस, तो दिस इज इन द जेलम रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, वेथ इन कश्मीरी में बोलते हैं, विटास्टा इन संस्कृत और हाइडस्पस इन द ग्रीक। और ये कहां से ओरिजिनेट होती है जेलम रिवर, दिस इज फ्रॉम द वेरीनाग अनंतनाग, ठीक है। वेरीनाग इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है। दूसरी बात है कि उड़ी डैम जो है यहाँ पे बिल्ड किया गया है, JKSSB का ये क्वेश्चन है पुराना, जिसमें ये पूछा है कि उड़ी डैम किस रिवर पे बनाया गया है, तो झेलम रिवर पता होना चाहिए आपको। बाकी ये कश्मीरी में इसको क्या वेथ बोलते हैं, विटास्टा जो है ये संस्कृत में बोलते हैं, हाइडस्पस जो है ग्रीक में बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बैटल भी हुई है अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, तो वो भी आपने याद करनी है कि वो कब हुई है, ठीक है, अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में। फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो आ गया लेक से क्वेश्चन आया ना क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है, वुलर लेक है। वुलर लेक के बारे में एक और चीज होनी चाहिए कि दिस इज द फ्रेश वाटर लेक, क्या है, फ्रेश वाटर लेक, और ये फ्रेश वाटर लेक इंडिया की लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक की बात करें, डल लेक को क्या बोला गया, इको सेंसिटिव जोन का दर्जा भी दिया गया है, और ये JKSSB ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। मानसर लेक, तो मानसर लेक जो है इंपॉर्टेंट है, सुरिंसर मानसर लेक, इनका जिक्र जो है महाभारत में भी है, और ये भी क्वेश्चन JKSSB ने पूछा है कि कौन सी इनमें से लेक है जिसका महाभारत में जिक्र है, वो है मानसर लेक। डल लेक जो है इसको इको सेंसिटिव जोन का दर्जा दिया गया है, इको सेंसिटिव जोन का, तो ये भी क्वेश्चन JKSSB ने ऑलरेडी पूछा है। फ्रेश वाटर लेक पे क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। एक और चीज याद करनी है कि वुलर लेक जो क्रिएट हुई है ये सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से हुई है, इंपॉर्टेंट है, एक चीज ये भी याद करनी है सेस्मिक एक्टिविटी से। दूसरा ये चीज याद करनी है कि वुलर लेक जो है एक क्या है, रामसर साइट है JNDK की, रामसर साइट है JNDK की, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, मानसर एंड सुरिंसर इज ऑल्सो द रामसर साइट ऑफ JNDK, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है मनसावल लेक जो है ये क्या है, डीपेस्ट लेक इन JNDK, तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए इसके बारे में। कल्चर से क्वेश्चन है, तो कल्चर में से भजन सोपोरी कहां से, कौन से इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड थे, वो थे संतूर से, ये भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, ठीक है। लेतरी डांस मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। चनेनी नासरी टनल जो है ये चनेनी नासरी टनल, रोड एंड ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आया आपका सिलेबस में से, तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। जितने भी ये 15 क्वेश्चन है ये जो कल पेपर में आए हैं, कल मतलब 11 तारीख को पेपर में आए हैं,
अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द पीडीएफ जो कि अपलोड हुई है 23rd of January 2024 के लिए, फ्री पीडीएफ है, डाउनलोड करनी है ऐप टारगेट जेके एग्जाम्स, वहां पे ये दिया गया, मैराथन क्लासेस आएंगी उसमें अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल के लिए वो पीडीएफ आपने प्रिंट आउट करनी है, जहां से आपको अगर आपका एक क्वेश्चन भी जम्मू कश्मीर का गलत होता है तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिलेक्शन रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि जे एंड के बारे में आपको पता नहीं होगा, पता आपको होगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जे एंड के का कुछ नहीं आता होगा आपको, बट चक्कर ये है कि अपडेटेड कंटेंट के हिसाब से, अपडेटेड आज की डेट के हिसाब से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ में से ये क्वेश्चन बता देता हूँ कि पीडीएफ में ये कहां कहां क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है आपको पता चल जाएगा इस पीडीएफ की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करते हैं, जस्ट एक मिनट रुकना आपने, ठीक है, ये पहली पीडीएफ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पुराने पेपर में ही पूछी गई है। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखें अगर तो सबसे पहले जो आने वाले टाइम में आपने और चीजें याद करनी है वो इंपॉर्टेंट है कि देखो जो चीजें मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है, उसके बाद हम सीधे जीके विद रिस्पेक्ट टू इंडिया जो है वो क्या क्वेश्चन आए उस तरीके से देखेंगे। पहले जम्मू कश्मीर का देख लें क्योंकि 20 नंबर है आपके, पहले कैपिटल देखना आपने कौन कौन सी कैपिटल है, 20 डिस्ट्रिक्ट टोटली देख लेनी है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे भी पुराने पेपर में क्वेश्चन आया है, डिस्ट्रिक्ट कब बनी है जम्मू कश्मीर, यूटी कब बनी है वो देखनी है आपने, ये कुछ देख लें, स्टेट एनिमल कौन सा है, स्टेट बर्ड कौन सा है, यूटी फ्लैग कौन सा है, स्टेट ये बटरफ्लाई कौन सी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अपडेट के हिसाब से ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आपने। जम्मू कश्मीर यूनिक कैमरा लेजिस्लेचर है और 5 साल का है, ये चीज देखनी है, यूटी ये आपका देखना है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, क्वेश्चन आया जेकेएसएसबी के एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर यूटी लेजिस्लेचर है और लद्दाख यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, ये इंपॉर्टेंट है उस तरीके से देखना, ठीक है, कितनी सीटें हैं जम्मू कश्मीर में वो आपने इसमें देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मैं क्वेश्चन बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से निकले और पुराने पेपर जो इसका निकला फाइनेंस अकाउंट का उस टाइम में भी क्वेश्चन निकले थे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज देखनी है आपने, 5 की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, 5 लैंग्वेज है, 5 की 5 याद कर देनी है, ठीक है, फाइनेंस अकाउंट में ऑलरेडी आया हुआ है तो मैं बता रहा हूँ 25 जनवरी की पीडीएफ अपलोडेड है ये, ठीक है, आज की नहीं है तो उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए थे, दोबारा से बता देता हूँ 25 जनवरी है या नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 23rd of January को ये पीडीएफ आपको अपलोड हो गई थी ऐप पे, ठीक है। चलिए हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें से, यहाँ पे देखें हम इसमें से ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के में से इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास ये कि मैप के अकॉर्डिंग किस किस के साथ जे एंड के टच कर रहा है, स्टेट या यूटी के साथ, और साथ में किसके कंट्री कौन सी है पाकिस्तान के साथ टच कर रहा है, बाकी इंपॉर्टेंट रिवर बन जाती है चनाब, झेलम, तवी और रावी रिवर, ठीक है, रावी। चनाब पे कौन सा प्रोजेक्ट है, हाइड्रल प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में हाइड्रल प्रोजेक्ट भी लिखा है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में, तो हाइड्रल प्रोजेक्ट चनाब पे भी देखने, झेलम पे भी देखने, तवी रिवर पे और रावी रिवर पे, ठीक है। उज इज अ ट्रिब्यूटरी, क्वेश्चन आ सकता है उज ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो उज है रावी रिवर की, तवी रिवर कहां से निकलती है, ये निकलती है भद्रवाह से, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। झेलम रिवर जो है वेरीनाग अनंतनाग से, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड, झेलम इज आल्सो कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। चनाब जो रिवर है ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चनाब पे कौन कौन से प्रोजेक्ट है, हाइड्रल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो आ गया सलाल डैम, ठीक है, सलाल डैम जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा आपका आ गया बगलियार डैम जो कि रामबन में है, बगलियार डैम, तो ये दोनों डैम इंपॉर्टेंट है, बाकी भी डैम है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। झेलम रबरी पे कौन सा है, झेलम रबरी पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है कौन सा, उड़ी डैम, ठीक है। बाकी नेशनल पार्क 4 है तो चारों के चारों याद कर देने आपने, ठीक है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क, डाचीगाम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है वो भी आपको पता होना चाहिए, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग नेशनल पार्क है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल कितनी है, 14 है, ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक है नून पीक, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पहले पूछा हुआ है तो ये भी याद कर देना आपने, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हाईएस्ट पीक मैंने बता दी यूटी की कौन सी है, नून पीक, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा हुआ है तो आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये कॉपन क्लासिफिकेशन जो है जे एंड के किस लेवल पे है, टुंड्रा क्लाइमेट है, ये भी आपने थोड़ी नजर लगा देनी है, ठीक है। तो फिर आपके पास आ गया ये चनाब रिवर पे कौन कौन से डैम है, सलाल डैम है, बगलियार डैम है, दुलहस्ती है, रेटल प्रोजेक्ट है, सावलकोट है, ये चनाब रिवर पे है, ठीक है। चनाब रिवर पे एक वो भी बन रहा है, बन गया है ऑलरेडी, कौन सा,
वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वो भी इसी पे है, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाईवे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, और इस पीडीएफ में हमारे पास ट्रिब्यूटरी भी देख लेनी है जेलम रिवर की, क्योंकि जेलम रिवर के ट्रिब्यूटरी जेकेएसएसबी के लिए फेमस बन गई है। ये सारी जितनी भी ट्रिब्यूटरी आपकी वेबसाइट पे नहीं, इस पे पीडीएफ में जो दिया हुआ है इसमें आपने पढ़ लेनी है सारी, ठीक है। ट्रिब्यूटरी देख लेनी है आपने। रामसर साइट जम्मू कश्मीर की पांच है, पांचों की पांच की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, ये सारी पढ़ लेनी है आपने। विद डिस्ट्रिक्ट फिर से बोल रहा हूँ, विद डिस्ट्रिक्ट देखनी है आपने, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इसमें वो मैंने दिया नहीं है, ठीक है, रहमान राही के बारे में दिया था, वो इसमें मैंने नहीं किया कवर, लेकिन किताब में था वो, ठीक है। चलिए, प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, मेहरचंद महाजन, ठीक है, वो बाकी वो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, ठीक है। बाकी डेमोग्राफी सेंसस जेएनके का पढ़ के जाएं, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें से अपडेट ये है कि गंगाबल लेक और मनसाबल लेक श्रीनगर में नहीं आती है, इसमें लिखा हुआ लोकेटेड इन नियर बाई श्रीनगर है, लेकिन स्पेसिफिक बोले डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट मैंने इधर लिख लिया है। गंगाबल और मनसाबल लेक जो है ये दोनों गांधरबल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस पीडीएफ में गंगाबल श्रीनगर लिखा, श्रीनगर नहीं, यहाँ पे लिखा है लोकेटेड इन या नियर बाई, ठीक है, नियर बाई, तो श्रीनगर इसलिए लिखा। अगर स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन आए डिस्ट्रिक्ट तो गंगाबल एंड मनसाबल लेक इन द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास झेलम रिवर कहां से, वेरीनाग से निकल रही है, ये क्वेश्चन आया ना आपका, ये क्वेश्चन इसमें आया है आपका, कल के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे आया, नुब्रा रिवर, नुब्रा वैली, आ गया ना, याद आ गया, कल के पेपर में आया हुआ कि सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ से, इस पे क्वेश्चन आया हुआ ना, तो नुब्रा वैली वाला इधर से निकलता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट आपका आ गया, जस्ट वन मिनट, इसके बाद हमारे पास आ गया देखो यहाँ पे इस पीडीएफ में आपने एक चीज करेक्ट करनी है, वो है गेटवे ऑफ कश्मीर वैली। गेटवे ऑफ कश्मीर वैली जो है वो हमारे पास काजीकुंड है, ठीक है, काजीकुंड है, तो वो इसमें आपने करेक्शन करनी है जम्मू, ये उस टाइम में, ठीक है, उस टाइम में ये ऑलरेडी बहुत सारी किताब में जम्मू लिखा हुआ था, ठीक है, मार्केट में जो किताबें थी, ठीक है, और उस टाइम में ये जेकेएसएसबी ने अभी रिप्रेजेंटेशन जो गई थी उसमें इसमें उन्होंने जम्मू को निग्लेक्ट किया है, ठीक है, इसलिए आप इसको अपडेट कर देना, काजीगुंड के हिसाब से आपने चलना है, जम्मू डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया नेक्स्ट आपका इस पीडीएफ में, नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये पीपुक, देख लेनी आपने, यहां पे ये लिखा हुआ है जीआई टैग, तो कानी शाल भी देख लेना आपने, कश्मीरी पश्मीना साल भी, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये सारे जिनको जीआई टैग मिला है इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सेफ्रॉन के बारे में, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें कर दी है, लिख दी है, वो आपने देख लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे बसूली पेंटिंग वाला पढ़ लेना आपने। अमरनाथ टेम्पल पे बार बार क्वेश्चन आता है जेकेएसएसबी का, तो मैंने बता दिया किसका है, लॉर्ड शिवा के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैष्णो देवी कहाँ पे है, वैष्णो देवी है कटरा डिस्ट्रिक्ट रियासी में और त्रिकुटा माउंटेन्स पे है, ठीक है, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। मार्टन सन टेम्पल पे अगर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, मार्टन सन टेम्पल पे काली क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे मैंने पूरा कवर किया हुआ था। मार्टन सन टेम्पल देखिए कहाँ पे, अनंतनाग में। दूसरा क्या है, हिंदू टेम्पल है, कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और मार्टन सन टेम्पल किसने बनाया, ललित आदित्य ने, तो ये क्वेश्चन भी आया था, वो भी हमने बता दिया। दूसरा ये है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस सन टेम्पल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन सन गॉड वाला, तो तीनों क्वेश्चन निकल जाते हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आ गया ललित आदित्य ने बनाया, दूसरा ये है कि दिस इज इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, तीसरा ये है कि सन टेम्पल को डेडिकेटेड है, क्वेश्चन निकल गया ना, तो इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक दो और क्वेश्चन है जो इस पीडीएफ से निकले हैं और इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना, लद्दाख वाला सारा पढ़ लेना आपने, ठीक है। बाकी ये मैंने बता दिया पहले, कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं वेब टारगेट जेके एग्जाम पे, आपने डाउनलोड करके देख लेना जो भी कोर्सेज अवेलेबल है सारे। काराकोरम रेंज का क्वेश्चन आ सकता है कि शाइनिंग क्रस्ट ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है, या बैकबोन ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, वो काराकोरम रेंज है, क्योंकि ये काराकोरम रेंज में K2 माउंटेन भी है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो है K2 है, ठीक है, तो वो भी उस तरीके से भी देख लेना है। बाकी सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, वो आपने देख लेना है। एक आपका आ गया पश्मीना शाल जो है, पश्मीना शाल जो है फेमस वूल इन लद्दाख, ये किसे किसे होती है, ये गोट से होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जेकेएसएसबी ने पूछा है, चेंगथांग गोट से होता है, इंपॉर्टेंट है। एक और सी बकथर्न कहां पाया जाता है, ये भी आपने देख लेना है, कहां पे पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क आज की डेट में इंपॉर्टेंट है कि हेमिस नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है,
वो लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, वो भी उस तरीके से देख लेना है, ठीक है। बाकी आपने इसमें से पढ़ लेना जो भी चीजें हैं, ठीक है। बाकी इस पीडीएफ में ये भी पेपर शार्ट नोट्स दिए गए हैं, जैसे बीएलडब्ल्यू में पंचायत सेक्रेटरी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से आए हैं, ठीक है। उसके बाद अपडेटेड पीडीएफ की थी, उसमें हमने फाइनेंस अकाउंट वाला भी डाल दिया था लेटेस्ट वाला, ठीक है। ये एग्जाम जो फाइनेंस अकाउंट वाला 28 जनवरी को हुआ है वो भी अपडेट कर दिया है, वो भी आपने चेक कर लेना कि आपने पुरानी वाली पीडीएफ अगर डाउनलोड की है तो ये वाला भी। इसमें आपने करेक्शन करनी है यहाँ पे एक क्वेश्चन में, वो है लॉरेंस कर्व, ठीक है। लॉरेंस कर्व जो है यहाँ पे पुरानी वाली पीडीएफ में वहां पे ये नहीं दिया हुआ, तो लॉरेंस कर्व जो है दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये वाली आपने करेक्शन कर देनी है अगर आपने पुरानी वाली पीडीएफ डाउनलोड की है, ठीक है, तो वो भी देख लेनी है आपने। नेक्स्ट आपका आ गया देखिए, अब मैं बताता हूं आपको कलहाना राजतरंगिणी। देखिए इस पीडीएफ में सबसे पहला क्वेश्चन आया ना कल वाला, कलहाना राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी का मीनिंग पूछा था, और इस पीडीएफ में पहले नंबर ही बता दिया था रिवर ऑफ किंग्स, निकला क्वेश्चन, निकला पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर दिए मैंने, लेकिन क्वेश्चन निकला ना रिवर ऑफ किंग्स, डायरेक्टली निकला ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, बात वो नहीं है, बात ये है कि हो सकता है आपको जीके जम्मू कश्मीर का आता होगा, बट मेरे कहने का मतलब ये कि एक दो नंबर भी आपके सिलेक्शन रोक सकता है, तो वो सिली मिस्टेक नहीं करनी है। ये क्वेश्चन भी आया फर्स्ट लेजिस्लेटिव प्रिंसली स्टेट ऑफ जेएंडके, उसको क्या बोला जाता था, प्रजा सभा, वो क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। अब ये यहां पे स्पेसिफिक मैंने लिखा है कश्मीर एक्सीड टू इंडिया, कब, डेट भी लिखी हुई है 26 अक्टूबर 1949, ठीक है। और छोड़िए यहां पे किंग्स ऑफ जम्मू देखेंगे, कल का क्वेश्चन आया है कि भाई जम्मू राजा जो है महाराजा हरि सिंह कब थ्रोन पे बैठे, यहां पे डेट लिखी हुई ना, देखिए 1925 से लेके 1948 तक लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन यहां से निकल गया ना, यहां से आंसर निकल गया, इतनी छोटी सी पीडीएफ है, देखिए ना हिस्ट्री एक पेज में खत्म की है, उसी एक पेज से कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं, बस आपको रिलेट करना चाहिए भाई कि ये डेटें लिखी हैं, ये चीजें लिखी हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। दो क्वेश्चन मैंने बता दिए हिस्ट्री से, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से, सिर्फ एक ही पीडीएफ से। मैं ज्यादा बोल ही नहीं रहा हूं कि भाई 250 पेज है, एक ही पीडीएफ में पहली लाइन है राजतरंगिणी रिवर ऑफ किंग्स से क्वेश्चन आया, दूसरा पूछा है यहां पे डोगरा रूलर से महाराजा हरि सिंह के दो क्वेश्चन आ गए, दोनों के दोनों यहां से निकल रहे हैं। 1925 वाला अगर स्पेसिफिक आपको नहीं पता तो यहां पे देखिए ना, थोड़ा जूम करके बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है तो आप रैंक में बहुत नीचे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है किंग्स ऑफ जम्मू कश्मीर लिखा है राजा हरि सिंह, 1925 लिखा है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आकार को ये भी आ सकता है, ट्रीटी अमृतसर कब हुई गुलाब सिंह और उसके बीच में, ये भी लिखा हुआ हमने, ठीक है। चलिए अब और चीजें बता देते हैं थोड़ा सा, करण सिंह के, डॉक्टर करण सिंह के बारे में लिखा हुआ, सदर रियासत टाइटल चेंज हुआ था और फर्स्ट गवर्नर यही बने थे, ये भी लिखा हुआ, मार्टिन सैन टेंपल करकोटा डायनेस्टी से ललित आदित्य ने बनाया। बताइए अब क्वेश्चन निकले ना, तीन बता दिए हिस्ट्री से, तीनों के तीनों क्वेश्चन यहां से दो पेज में निकल रहे हैं भाई साहब, दो पेज में, समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ में, बार बार तभी मैं जिक्र करता हूं। बाकी छोड़िए, चौथा क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं आपको, चौथा क्वेश्चन भी बताने वाला हूं आपको, मार्टिन सैन टेंपल देखिए, पांचवा भी बताने वाला, इसी ये दो पेज है ना, दो पेज में मैं चार क्वेश्चन बताने वाला हूं कल के पेपर में जो आए, सन टेंपल, ललित आदित्य, डेडिकेट टू सूर्या, सोलर डीटी, इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन आगे, दो क्वेश्चन इसी से आगे। फिर बताता हूं, अभी बताता हूं मैं, हब्बा खतून का क्वेश्चन आया था, नाइट एंजल ऑफ कश्मीर बोला जाता है, आगे तीन क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन निकले यहां से, इंपॉर्टेंट थी पीडीएफ, यस पीडीएफ इंपॉर्टेंट थी, समझ रहे हो, बार बार इधर लिखा हुआ नाइट एंजल ऑफ कश्मीर लिखा हुआ है ना पीडीएफ में, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए जो बच्चे ऑलरेडी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ चुके उनके लिए खुशी की बात है कि क्वेश्चन निकल रहे हैं। हमारा तो एक्सपेरिमेंट था ना, हमारी तो किताब आई है मार्केट में या फिर हमने कंटेंट दिया हुआ, हम तो देखते हैं कि भाई उसमें से कितना निकल रहा है, और इसमें भी हम इंप्रूव करेंगे। अभी ऐसा तो है नहीं ये पीडीएफ आपके पास पड़ी रहेगी, मैराथन क्लासेस लाएंगे उसमें और इंप्रूवमेंट कर देंगे, जो भी आएगा देखा जाएगा, ठीक है। एक लोहरा एनसी से एक दीदा थे, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नाइट एंजल ऑफ कश्मीर पे, हबा खतून पे आ गया, तो ये एक और चीज है, कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है भाई, क्वीन दीदा को, तो इंपॉर्टेंट है कि उन दीदा कौन सी थी, कौन था ये, कौन थी ये, ठीक है। ये सारी लेक्चर सीरीज आपको अवेलेबल है, ठीक है, जीके भी रेफरेंस जे एंड के वाला कवर है इसमें, इसमें पीडीएफ में लिखा गया है। तो यहां से मैंने बता दिया कि हिस्ट्री से ये दो पेज थे, इन दो पेज में से हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट ग्लैंस में से दो पेज से भाई साहब कल के चार क्वेश्चन आए। अब ये सोचिए कि जो भी बच्चा चार क्वेश्चन कल के पेपर में कम करके आएगा उसकी सिलेक्शन रुकेगी, तो अगर उसके पास ये दो पेज पहुंच गए होते
लास्ट के 10 मिनट में भी वो देख लेता, क्या उसका फायदा नहीं होता? होता ना, होता, ऑब्वियसली होता, वो सिलेक्शन लिस्ट में आता ना। तो इंपॉर्टेंट है कि पीडीएफ पढ़नी है भाई साहब, इसके बिना कुछ नहीं। आज तो हम हिस्ट्री के लेक्चर लाएंगे, उसमें सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि हाँ, अब अगर क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया राजतरंगिणी का मतलब क्या है, अब ये कल को क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं भाई कश्मीर का मतलब क्या है, कश्मीर वर्ड जो है कहां से निकला है, तो उसके लिए भी मैंने यहां पे एक दो तीन लाइनें दे दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाएं, कश्मीर कहां से निकला, लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम द वाटर का एंड डेसिकेटेड शिमीरा, ठीक है। और ये कश्यप वगैरह ये पढ़ के जाना आपने, ओके, गॉट द पॉइंट। चलिए जे एंड के का इतना ही था, ठीक है। बाकी इसके बारे में पीडीएफ में दिया हुआ, आप बाकी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये भी दिया है जे एंड के कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ, क्या था, ये डेटे भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर का 17 नवंबर 1956 में अडॉप्ट हुआ, इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1957 में, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं जम्मू कश्मीर के, मेहरचंद महाजन, उसके बाद शेख अब्दुल्ला वगैरह वगैरह जो है, गुलाम सादिक, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सदर रियासत का टाइटल भी चेंज हुआ, वो भी पीडीएफ में इसमें दिया गया है। और अगर आपने प्राइमरी पीडीएफ अपलोड डाउनलोड किए तो भाई ये वाली पीडीएफ डाउनलोड करके फोटो स्टेट करनी है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन, पूरी डिटेल लिखी हुई है ना, ये सारी पढ़नी है। चलिए इसके बाद और क्या चीजें पढ़नी है आपने इसमें से, तो वो ये तो पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिट भी आ चुकी है, वो भी पढ़ना है। अभी जम्मू कश्मीर एट ग्लैंस वाला, ये जितने भी फैक्चुअल डाटा है ये पढ़ना है आपने, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें से भी क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पढ़ना है, लद्दाख के बारे में पढ़ लेना है, लद्दाख का कौन सा स्टेट एनिमल वगैरह वगैरह है, वो चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसमें नो योर यूटी, यूटी में आपका यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है कश्मीर का मतलब क्या है, पहला ये चीज देखना है। आर्टिकल 370 और 35A का क्या मतलब है, और ये यूटी के बारे में देख लेना है। बाकी उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो चीजें दी गई हैं, कोलाहोई ग्लेशियर, लार्जेस्ट ग्लेशियर जम्मू कश्मीर का, नून पीक वगैरह, और डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजें दी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने पढ़नी है। जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट में इसमें क्या इंपॉर्टेंट, श्री माता वैष्णो देवी कहाँ पे, त्रिकुटा हिल्स पे इंपॉर्टेंट है, त्रिकुटा माउंटेन हिल्स पे। बाकी भीमगढ़ फोर्ट है, लिथियम पाया गया है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ठीक है, केवल ब्रिज है अंजी खड्ड में, इंपॉर्टेंट है। सामा में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें देख लेनी है आपने। सामा में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे छोटा काशी आप प्रमंडल बोलते हैं, प्रमंडल है बड़ी ब्रह्मणा में, जम्मू में बड़ी ब्रह्मणा एक, ठीक है, बड़ी ब्रह्मणा में प्रमंडल एक जगह का नाम है, वहां पे प्रमंडल टेम्पल भी है जिसको छोटा काशी वो भी बोलते हैं, क्योंकि बड़ी ब्रह्मणा जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे पाया जाता है, वो भी चीजें। डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास भद्रवाह में लेवेंडर फेस्टिवल होता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अनंतनाग में से ये क्वेश्चन ऑलरेडी किए, सन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, क्या चीजें हैं, वो चीजें देखनी है आपने। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीजें कवर कर देनी है इसमें, ठीक है। और भी कुछ चीज देखो, ये सियाचिन ग्लेशियर ऑलरेडी कवर था इधर, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड फील्ड ग्राउंड इन द वर्ल्ड इन द, यहाँ पे लोकेटेड है कहाँ पे, लद्दाख में इंपॉर्टेंट है। नुब्रा रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह जो भी चीजें दी गई हैं। जम्मू में आपने यहाँ पे आपने बाउ फोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अमर पैलेस कहाँ पे, मुबारक मंडी कहाँ पे, वो चीजें। पुलवामा में क्या है, सफ्रॉन कल्टिवेशन जीए टैग इसको मिला हुआ है, ये सारी चीजें देखनी है। और पंचायती राज आपके सिलेबस में लिखा हुआ, तो पंचायती राज में ये चीजें पढ़ के जाएं। ये लेटेस्ट वाली अपडेट है कि कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अप्रूव किया है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट, ठीक है, वो चीजें सारी पढ़ के जानी है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी, रिलीजियस प्लेसेस में भी ये चीजें कवर कर दी गई हैं, और इसको और अपडेट कर देंगे। कैनवा सॉइल के बारे में भी दिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें। बाकी ये एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, उसी तरीके से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं, इसके अलावा जो क्वेश्चन आए हैं इंडिया से, इंडिया के कल्चर से। देखिए जीके इंडिया की बात करें तो एक क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है कि कब किया जाता है। जीके एसएसबी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो ऑब्जर्व कब किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। ये बार बार मैं बहुत सारे लेक्चर में बोल चुका हूँ कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या अडॉप्ट हुआ है, इफेक्ट कब हुआ है, तो वो है 26 जनवरी 1950 में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। और इस दिन जो है 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल भी अडॉप्ट हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी अडॉप्ट हुआ है। दूसरी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, या इसी दिन किया जाता है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को किया जाता है। एक एनवायरमेंट कन्वेंशन पे रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज COP28 के बारे में पूछा है, अभी आपको ये पता होना चाहिए। ये तो सिर्फ पूछा है कि COP का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस वॉज वेरी सिंपल, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कराता है ये,
UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के लिए, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज COP28 जो है वो कहाँ हुई है, तो वो ये UAE में अभी रिसेंट वाली 2023 वाली, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये ऑलरेडी JKSSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी एक स्टेटमेंट थी, ठीक है, वहां पे COP28 का जिक्र किया गया था। तो इधर भी इसमें COP की वो फुल फॉर्म पूछ ली, COP का मतलब क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट आपको ये भी पूछ सकते हैं कि COP28 हुई कहाँ है एक्चुअल में, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम परस्पेक्टिव से अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए हम आप देखें नेक्स्ट, हमारे फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड से क्वेश्चन क्या आया था, तो ये ऑलरेडी लेक्चर में कवर था कि हु इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इन इंडिया वर्ल्ड से ये आपने वो पढ़ लेना है, साइंटिफिक डिस्कवरी से क्वेश्चन आया है, ऑलरेडी कवर भी किया था हमने। इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया है, तो आपका अगर सिलेबस देखें, सिलेबस में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ब्रिक्स पहले नंबर पे, तो पहले नंबर से ही अगर क्वेश्चन देखें तो क्या बना हुआ है, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो आप बोलते हो क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पता चल जाएगा आपको। ब्रिक्स जो है ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है इनमें से, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ब्रिक्स से सीधा याद करो, बी से आ गया ब्राजील, आर से आ गया रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ये पांच मेंबर है इसके, ठीक है, ये याद करने। दूसरा ये है कि ये टर्म किसने दी है, 2001 में क्वाइन की है, तो जिम ओ नील ने क्वाइन की है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है किसने क्वाइन की है और कौन कौन इसके मेंबर हैं, ठीक है। और लास्ट समिट जो है ब्रिक्स की 2023 में कहां हुई थी, ठीक है, और 24 में कौन होस्ट करेगा, बस इतना ही पढ़ना है आपने। समिट 2023 कहां हुई थी, 2024 में कहां होगी, ठीक है, और एक आइडिया दे रहा हूं कि सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे पढ़नी है आपने, कौन कौन उसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पे है, कब बनी है, ठीक है, ये चीज बता देता हूं मैं आपको ताकि आपको बाकी वाले ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तीन चार चीजें देखनी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक तो एस्टेब्लिश कब हुई, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये देखना है कि हेडक्वार्टर कहां पे है, कौन इसके मेंबर हैं, ठीक है, और रिसेंट सबमिट जो है वो 2023 में कहां हुई है, ठीक है, और 24 में कहां होने वाली है। अगर कोई सबमिट इंडिया में होने वाली है या रिसेंट में हुई है तो इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जामिनर ज्यादा पूछ सकता है इंडिया में, फिर से बोल रहा हूं मैं, इंडिया में अगर कोई सबमिट हुई है लेटेस्ट वाली तो वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये सबमिट कहां 2023 या 24 में कहां है। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके से आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सारी खत्म करनी है, ऑल्दो मैं लेक्चर ला लूंगा उसमें आपने देख लेना, लेकिन किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट है। अवार्ड से क्वेश्चन किस तरीके से आया, सिलेबस में आपका अवार्ड लिखा हुआ है, अवार्ड से क्वेश्चन पूछा है भारत रत्न अवार्ड, देखिए ये आपका सिलेबस है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड के फेमस अवार्ड्स, ठीक है, वर्ल्ड के फेमस अवार्ड्स, तो एक तो नोबेल प्राइज आते हैं, दूसरे आते हैं एक और अवार्ड था कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये नेशनल लेवल पे जो अवार्ड होते हैं कम से कम वो तो पता हो, तो वो आ गया हमारे पास ये भारत रत्न अवार्ड, ठीक है, 2019 में लास्ट अवार्ड जो भारत रत्न का दिया गया था 2019 में दिया गया था, और तीन लोगों को दिया गया था, वो था एक फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी और एक असामी सिंगर थे, ठीक है, जिनका नाम था भूपेन हजारिका, ठीक है, और नाना देशमुख इनको दिया गया था, ठीक है। आल्दो जो है नाना हजारिका ये पोस्ट फैमिली और नाना देशमुख को पोस्ट फैमिली मतलब डेथ के बाद दिया गया इनको, ठीक है, इसको भूपेन हजारिका और इनको, ये क्वेश्चन अवार्ड से पूछा है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कैसे पूछा है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके सिलेबस में लिखा हुआ ना स्पोर्ट्स, ये देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स लिखा है ना, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। इसी से रिलेट करके एक और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है, 29 अगस्त को, ईरानी ट्रॉफी ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो किसके साथ है, क्रिकेट के साथ है, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया लेक्चर में, तो आपने स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है, ठीक है, लेक्चर वो देखना, उसमें ये किसके साथ कौन कौन सा स्पोर्ट्स एसोसिएटेड वो कवर किया है, बाकी लेटेस्ट वाले अवार्ड कौन कौन से वो भी कवर किया है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनाया जाता है ये बता दिया मैंने, अगस्त 29th। इस तरह से एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने समझनी है, नेशनल डे जो याद करने हैं वो किसके करने हैं, एक और लिखा है आपके सिलेबस में यहां पे आपका लिखा हुआ है न्यूज़पेपर वर्ल्ड, ठीक है, न्यूज़पेपर लिखा है,
न्यूज़पेपर वर्ल्ड लिखा है ना, तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए कि नेशनल प्रेस डे कब बनाया जाता है। क्या बोले बोला, नेशनल प्रेस डे कब बनाया जाता है, ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर में कवर किया, लेकिन आपने याद करना है नेशनल प्रेस डे कब बनाया जाता है। और चीज याद करनी है, साइंटिफिक डिस्कवरी है ना, नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है, नेशनल साइंस डे कब बनाया, जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपने कौन कौन सा मैं बोल रहा हूँ, तीन चार चीजें बोल रहा हूँ वो याद करनी है आपने। नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे कब से स्टार्ट हुआ है, नेशनल स्पेस डे, ठीक है, इंडिया की बात करें हम, नेशनल स्पेस डे कब से, जब ये चंद्रयान लॉन्च हुआ था, ठीक है, चंद्रयान लॉन्च हुआ था उसकी सक्सेसफुल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था कि आज से हम क्या करेंगे, नेशनल स्पेस डे बनाएंगे, ठीक है, कौन सी डेट है वो आपने याद करना है, और ये 2023 से स्टार्ट हुआ है, ठीक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पेस डे से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस तरीके से करंट को लेके। न्यूज़पेपर का मैंने बताया, नेशनल प्रेस डे कब इंडिया का कब बनाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी लेक्चर में कवर है, नेशनल साइंस डे कब बनाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमारे पास और कौन सा है, और हमारे पास बन जाता है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम हाँ, पंचायती राज जैसे आपके सिलेबस में 73rd और 74th अमेंडमेंट है, तो आपको पूछा जा सकता है कि नेशनल क्या है, पंचायती राज डे, हाँ नेशनल पंचायती राज डे, तो वो उस तरीके से पूछ सकते हैं कि पंचायती राज डे के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे कब बनाया जाता है उसके पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए जनरल नॉलेज जिसमें आपका सिलेबस है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्लेसेस इन न्यूज और लेक्स, ठीक है, ये आपका सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, यहां पे अगर हम देखें, यहां पे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया लिखा है, वो क्वेश्चन सिलेबस को मैं रिलेट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से पूछ लिया भारत रत्न, यहां से पूछ दिया नेशनल स्पोर्ट्स डे और कौन कौन सा स्पोर्ट्स किसके साथ एसोसिएटेड है वो भी, और ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ ये वाला, वहां पे जाके देख लिया, करंट भी कवर किया, स्टैटिक भी कवर किया। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन में रिवर्स एंड लेक्स जो है ये आपका, इससे क्वेश्चन कितने बने हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट पांच सात क्वेश्चन इसमें पूछे आपको, तो ये दो तीन ही क्वेश्चन आने ना, क्योंकि आपके पास 23 टॉपिक है तो 20 नंबर है, तो आपके एक एक पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया में से एक वर्ल्ड में से पूछ लेंगे या इंडिया से पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट आपने इंडिया से देना है, वर्ल्ड से कितना भी याद कर लोगे आप, इंडिया को तो पहले इंपॉर्टेंट दो, क्वेश्चन इंडिया से बन सकता है, फिर रिवर एंड लेक्स इन इंडिया वो तो पढ़नी पड़नी है, तो ये दो क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं, अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं वो आपने देखने हैं यहाँ पे। देख पहला पूछा है क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो इसका आंसर था गुजरात का कोस्ट लाइन ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो दिस इज द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई में है। फिर क्वेश्चन पूछा है विच इंडियन स्टेट इज नाउन एज गॉड्स ओन कंट्री, दैट आंसर क्या है इसका, केरला, ठीक है, ये स्पेसिफिक अगर बोले तो कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, तो ये ऐसे पूछा है कि गॉड साउंड कंट्री क्या है, दिस में बी द आउट ऑफ सिलेबस, इसका आंसर है केरला। ये क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, और इस पे दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन पूछा है, लेकिन साथ में डेमोग्राफिक सेंसिस से भी क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है, अगर आप रिलेट कर पाए तो। डेमोग्राफिक सेंसिस में हमारे पास क्या पूछा है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है और मोस्ट पॉपुलर स्टेट किसका, क्वेश्चन कहां से बना ये डेमोग्राफिक सेंसिस से। अब ये जो है ये किससे बना, ये हमारे पास फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया से, फिजिकल मैप जो बोलते हैं ना, फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, उससे क्वेश्चन बना है। जैसे हमें पता होना चाहिए लार्जेस्ट स्टेट जी एंड इंडिया की कौन सी है, राजस्थान। अब जेकेएसएसबी ने पुराने पेपर में पूछा था कि फोर्थ नंबर पे कौन सी स्टेट आती है, अब दोबारा से उन्होंने पूछ लिया कौन सी लार्जेस्ट स्टेट आती है, वो फोर्थ में शायद से फोर्थ पूछ दी शायद से, या यूपी का पूछा था कि यूपी कौन सी थी, तो ये आपने क्या करनी है, एरिया वाइज कौन सी स्टेट इंडिया में लार्जेस्ट है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपके लिए। फिर पूछा है चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, इसका आंसर तो ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन आपको रिलेट करके बता रहा हूं कि क्वेश्चन डेमोग्राफिक सेंसिस प्लस पॉलिटिकल मैप से दोनों को कंबाइन करके पूछा है। जैसे उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया, यस इट इज इंपॉर्टेंट, केरला स्टेट का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो आपको ये इसके साथ साथ में आपने क्या पढ़ना, आपने ये देखना है कि भाई केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और साथ साथ में और चीजें देखने की इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है, जे एंड के का लिटरेसी रेट क्या है, तो उस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया का बोलूं तो 71.4% इंडिया का लिटरेसी रेट है, टॉप स्टेट कौन सी है, केरला स्टेट है, अब लोएस्ट स्टेट कौन सी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से सेक्स रेशियो में भी जो है केरला जो है टॉप स्टेट है, और सेक्स रेशियो में टॉप स्टेट कौन सी है, केरला बोल रहा हूं फिर से, लो स्टेट कौन सी, हरियाणा है, हरियाणा इज द लो सेक्स रेशियो रेट में, तो रिलेट करके चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। फिर बोल रहा हूं मैं,
लिटरेसी रेट पे, डेमोग्राफी सेंसस पे दोबारा से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपको पूछे कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दीजिए पॉपुलेशन के हिसाब से, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, क्या है, किस तरीके से, किसके अकॉर्डिंग, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ट्रेंड क्या है। आउट ऑफ सिलेबस कोई भी नहीं है, क्वेश्चन मैंने बताया वो आप बोल सकते हैं कि गार्ड साउंड कंट्री स्टेट जो भी वो कौन इतना याद कर, लेकिन बाकी क्वेश्चन जो डूएबल है जिसको आप कर सकते हैं उसको थोड़ी छोड़ना। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है किससे है, 10 डिग्री चैनल से, इंपॉर्टेंट है, मैंने मैप में ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराए थे और ये आपको पता भी होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर में ऑलरेडी बता चुका हूं, नुब्रा वैली इसका आंसर है। कंचनजुंगा इज द सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट में पूछ चुका है और एक दो और पेपर में पूछ चुका है, ठीक है, और इस पेपर में पूछ लिया और आगे आने वाले टाइम में भी पूछ सकता है। तो कंचनजुंगा कहां पे है, सिक्किम में। कंचनजुंगा जो है ये पीक कहां पे है, सिक्किम में। दूसरा पूछा है शादरी रेंज किसको बोला जाता है, अदर नेम ऑफ शादरी रेंज, तो वो है वेस्टर्न घाट को बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न घाट को शादरी रेंज भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आ गया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, जैसे हमारे पास आता ना कि फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर लेक हमारे पास वुलर लेक है इंडिया की, उस तरह से लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है, वो है उड़ीसा में चिलिका लेक। इसके साथ साथ में आपने ये याद करना है कि चिलिका लेक इज दी फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन इस तरीके भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट रामसर साइट जो है इंडिया की कौन सी है, अंडर द किसकी, रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है चिलिका लेक इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। ये नहीं थी, इसके साथ एक और की थी, वो था केओलादेओ गाना नेशनल पार्क राजस्थान में जो है, ठीक है। ये दो लेक दो थी जो फर्स्ट रामसर साइट बनी थी इंडिया की, लेकिन आपको याद होना चाहिए चिलिका लेक इज द फर्स्ट रामसर साइट, क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरीके से भी याद करना है आपने। ब्रैकिश वाटर तो पूछ लिया, लेकिन कल को पूछ लिया कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो भी आपने याद करना है। नंदा देवी जो है सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है इसके लिए आपको क्या है, मैप प्रैक्टिस करनी है, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ग्लेशियर और नेशनल पार्क, इंडिया के सब प्रैक्टिस करके जाने हैं फर्दर अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्या मैंने फिर से बोल रहा हूँ, मैप प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए, ठीक है। रिवर्स देखने, इंडिया के लेक्स देखने है, माउंटेन देखने, ग्लेशियर देखने, नेशनल पार्क देखने, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एज वेल एज इंस्पेक्टर एज वेल एज सुपरवाइजर एज वेल एज पटवारी एज वेल एज एनटी एज वेल एज फर्दर अपकमिंग एग्जाम्स। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सिलेबस सारू में कॉमन है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन एक लाइन लिख लेते हैं, बस उस लाइन के बेसिस पे आपने क्या पढ़ना होता है, रिवर्स पढ़नी होती है, लेक्स पढ़ने होते हैं, माउंटेन पढ़ने होते हैं, ग्लेशियर पढ़ने होते हैं और पासिस पढ़ने होते हैं, नेशनल पार्क पढ़ने होते हैं। चलिए हिस्ट्री से क्वेश्चन किस तरीके से आए, ऑल्दो आपके सिलेबस में हिस्ट्री आई डोंट नो है या नहीं है, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को, बट ये क्वेश्चन आया था कि लोधी डायनेस्टी किसने फाउंड की थी, ठीक है, तो वो थे हमारे पास बहलोल लोधी। और लास्ट कौन थे, लास्ट इसमें कौन थे, तो लास्ट थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द किसकी, दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का आपको पता होना चाहिए कि मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में एक तो पहले कौन आए, पहले आए सुल्तान सल्तनत थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आए, मुगल्स आ गए। अब मुगल्स जब आए तो दिल्ली सल्तनत का लास्ट राजा कौन था और फर्स्ट कौन था, ये तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए ना, लास्ट कौन था, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कौन सा था, ये बहलोल लोधी थे, लास्ट कौन था, इब्राहिम खान लोधी थे। इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई, मुगल का फर्स्ट पर्सन जो थे जिसका नाम है क्या, बाबुर, बाबुर आए थे ना इंडिया में, तो वो जो बाबुर आए थे मुगल का फर्स्ट, मैं यह पूछ रहा हूं कि लोधी डायनेस्टी का फर्स्ट पूछा है कि बहलोल लोधी फाउंडेशन उन्होंने की, तो मैं ये क्वेश्चन मेरा ये बन रहा है कि भाई मुगल का फर्स्ट कौन आया, तो वो था बाबुर। तो जब वो आए उनकी लड़ाई हुई, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत जिनका नाम था इब्राहिम लोधी, ठीक है, उस बैटल को बोला गया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो कब हुई है 1526 में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, कौन सी डेट, स्पेसिफिक जेकेएसएसबी ने पुराने पेपर में पूछा, भाई साहब इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है, तीनों की तीनों आपने बैटल पढ़ लेनी है, कौन कौन सी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, किसके किसके बीच में हुई और कब हुई, डेट भी इंपॉर्टेंट है भाई, ईयर, ईयर डेट चले छोड़िए, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर याद करना है कि 1526 में हुई है, डेट में भी याद कर दो कोई दिक्कत नहीं,
बट कम से कम ईयर याद करना एग्जैक्टली 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है, सेकंड किसके बीच में हुई, थर्ड किसके बीच में हुई, नीचे मैंने दी हुई पीडीएफ वहां पे जाके पढ़ सकते हो, इसी पीडीएफ नीचे दिया हुआ है ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है भाई, सब आ सकता है क्वेश्चन, कोई चक्कर नहीं। जब आप बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस तो आउट ऑफ सिलेबस में यही चीजें आती है ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं एक्चुअल में सिलेबस में है, मेडिवल में तो इतना पता ही होना चाहिए। हु रोट मुद्रा रक्ष किसने लिखी, विशाखा दत्त ने ठीक है, और ये एक संस्कृत प्ले है तो इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से भी पढ़ना आपने। पंचतंत्र किसने लिखी है, ये लिखी है पंचतंत्र गुप्ता पीरियड के टाइम में और लिखी है विष्णु शर्मा ने लिखी है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट ड्यूरिंग द रून ऑफ, दो क्वेश्चन आ गए बैटल से नहीं, अच्छा वो लोधी रेंसी वाला आया ठीक है, लोधी रेंसी था तो फिर भी कुछ नहीं है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो किसके किस में बीच में हुई थी ठीक है, अकबर और हिमू के बीच में हुई थी, तो इंपॉर्टेंट है ये, इधर यहां पे लिखा हुआ मैंने, इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर देना आपने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है, 1526 में, किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, इब्राहिम लोधी कौन थे, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और बाबर जो थे फर्स्ट रूलर थे किसके, मुगल अंपायर के ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बाबर वान द वार, उसके बाद उनका मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इस तरह सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, 1556 में ठीक है, यहां से लेके यहां के बीच में 30 ईयर का डिफरेंस है, कितना 30 ईयर्स का, तो याद करना है 1526 में हुई, उसके बाद 1546 1556 1556 ठीक है, 30 साल के बाद 1556 में सेकंड बैटल होती है, वो होती है हिमू और अकबर के बीच में ठीक है। इस तरह से थर्ड बैटल देखें तो वो काफी लेट हुई है ठीक है, तो 1526 में और 1556 में 30 साल में इंपॉर्टेंट है कि किस किस के बीच में क्या हुआ है, लड़ाई हुई है ठीक है, और थर्ड वाली जो लड़ाई हुई है वो मराठा के साथ हुई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुई है अफगान्स और मराठा के बीच में, ये हुई है जाके 1761 में ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1768 में। चलिए अब साइंस देखते हैं, साइंस में से क्वेश्चन किस तरीके से आए और रिलेट करते हैं आपके सिलेबस से। चलिए साइंस का क्वेश्चन ये आ गया आपका सिलेबस जनरल साइंस ठीक है, इसको रिलेट करके थोड़ा सा बताते हैं हम किस तरीके से क्वेश्चन आए। चलिए पहले क्वेश्चन है हु गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो यहां आपके सिलेबस में लिखा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, पहले भी बताया था सिलेबस को डिकोड करना आना चाहिए, जब तक नहीं आएगा तो इंपॉर्टेंट है कि इसका बैकग्राउंड क्या है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, वो तो न्यूटन ने ला दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ठीक है, वो तो याद करने, बट उसके साथ में मैंने बताया था कि थ्योरी कम से कम पढ़ के जाए, किस किस ने कौन सी दी है, और भी थ्योरी, ये नहीं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, मैंने 3-4 थ्योरी बोली थी उस टाइम में ठीक है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही कौन सी बोली है, वो वाली जाके लेक्चर पढ़ाने वाला स्ट्रेटजी वाला देख लेना, वहां से नोट डाउन कर देना कौन कौन सी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछा बीच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसका आंसर है हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन अगर सिलेबस देखें तो कहां से आया, ये आपका सिलेबस है 12वां पॉइंट ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन आया यहां से, यस क्वेश्चन निकला है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज द सोलर एनर्जी, तो इकोसिस्टम दिया आपके सिलेबस में, यस दिया हुआ है ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन निकला हुआ है। फिर क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड इन द जॉइंटिस, उसका आंसर है ये, बट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है, डिजीज के बारे में दिया होगा ठीक है, ये विटामिन डी है लेकिन डिजीज कहां पे, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में से आता है, चलिए इसमें नहीं दिया हुआ है, कहीं तो दिया था, यहां पे लिखा ना कम्युनिकेबल डिजीज ठीक है, यहां पे आपको पता होना चाहिए, उस तरीके से भी आप को पता होना चाहिए। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन, तो ये आपका आ गया कहां से, साइंटिफिक डिस्कवरी से क्वेश्चन ठीक है। व्हाट इज द फ्यूल इन द सन, दैट इज हाइड्रोजन, तो इंपॉर्टेंट है, ये मैप के बेसिस पे है, इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, केमिकली अनरिएक्टिव होती है, और मैंने पीरियडिक टेबल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, उसी के अकॉर्डिंग ये आपने देख लेना है, और पीरियडिक टेबल इंपॉर्टेंट है इस बार पढ़ना, क्योंकि SSB जो है, JKSSB जो है एलिमेंट के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है, या तो वो SI यूनिट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो वो एलिमेंट्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधे सिंबल कौन सा क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, वो पढ़ के जाना, आइसोटोप्स पढ़ के जाना, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है साइंस में, यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो पढ़ के जाना आपने सारे एलिमेंट्स, पीरियडिक टेबल, साथ में इनर्ट गैसेस जो है ये वाली पढ़ के जाना है ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन काजेज, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया विटामिन से, यहाँ पे लिखा है विटामिन डिजीज एंड विटामिन डेफिशिएंसी, ये उसी से आया, इसका आंसर था एनीमिया। फिर क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एनरिच विद विटामिन सी, तो सिट्रस फ्रूट आंसर इसका, थर्ड क्वेश्चन आपका आ गया डेफिशिएंसी ऑफ काजेज रिकर्ट डिजीज किससे होती है, विटामिन डी से, तो विटामिन से कितने क्वेश्चन आ गए, तीन क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जाम आल्सो।
करंट बेस पे कितने क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे, टोटली दो क्वेश्चन थे करंट बेस पे। टोटल आपके जितने भी ये क्वेश्चन थे सिलेबस जीके का, इसमें ये जो फार्मासिस्ट का एग्जाम था इसमें जीके का जो सिलेबस था वो 50 नंबर का था, ठीक है, जीके का 50 नंबर का था, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस कितने नंबर का है, जे एंड के का 20 नंबर का है, और यहाँ पे भी क्या है, ये भी 20 नंबर का है, ठीक है, साथ में साइंस भी 20 नंबर, ठीक है ना, 20 नंबर साइंस है ना, हाँ, तो जे एंड के भी 20 है और ये वाला भी 20 है। बट मार्किंग को छोड़िए, आप मार्किंग अलग लो, अलग लगो, बट आपके सिलेबस को रिलेट करके क्या चीजें आ रही है वो समझना इंपॉर्टेंट है, कि इसीलिए तो डिस्कशन हो रही है। इसमें से क्वेश्चन आया वर्ल्ड पल्सिस डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर पल्सिस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ए आपका आंसर आ गया। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023, तो ये एमएसएमई मिनिस्ट्री, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था नवंबर 2023 में, तो उससे क्वेश्चन आया, से नो टू करप्शन कमिट टू नेशंस, ठीक है। दो करंट अफेयर थे, एक था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कांट फ्लाई, कौन सा बर्ड फ्लाई नहीं कर सकते, कीवी भी नहीं कर सकता, ऑस्ट्रिच भी नहीं और पेंगुइन भी नहीं, ठीक है, इसका आंसर था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ही क्वेश्चन था जो कि आउट ऑफ सिलेबस था, 50 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली जीके के, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि दिस इज द आउट ऑफ सिलेबस, ऑल्दो ये कहीं ना कहीं आप पढ़ते ही हैं, बट लेट इट बी आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। और दिस वाज ऑल अबाउट द टुडे, बिकॉज हमने ज्यादा टाइम ले लिया, बट ये है कि हमने चीजों को रिलेट करके देखा ताकि आपका आने वाले एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अवार्ड से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब सम अप करते हैं क्लास को एंड करने से पहले, अब आपने ये देखना है कि अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो यस भारत रत्न अवार्ड पढ़ के जाना है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो स्पोर्ट्स के रिलेटेड वो आपने कौन सा कप एसोसिएटेड किसके साथ है, ठीक है, वो आपने देखना है। दूसरा ये है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तीसरा ये है कि अभी रिसेंटली जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, आईसीसी वर्ल्ड कप, तो वो भी आपने याद करना है। तो ये तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड से आपने भारत रत्न अवार्ड पढ़ लेना आपने, और नेशनल लेवल पे और भी अवार्ड जो दिए जाते हैं वो हम आने वाले टाइम में लेक्चर कवर करेंगे, ठीक है। बाकी हम सारी चीजें करेंगे डिस्कस, जीके मैराथन क्लासेस चल रही हैं हमारी, उसी जीके मैराथन क्लासेस में सब चीजें हम जीके जो कम से कम 20 नंबर का है ये मेरे पे छोड़िए, ये हम कवर करेंगे। पीडीएफ आपको लेक्चर की मिलती रहती है, जब भी किसी को पीडीएफ में दिक्कत आती है डाउनलोड में, ठीक है, ऐप पे सब इंस्पेक्टर के कोर्स में जाना है, वहां पे फ्रीली पीडीएफ आपको अवेलेबल है जीके की क्लासेस की, जे एंड के का भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बीच में मैं 2-3 दिन इसलिए रुक गया, मैं एक तो वेट कर रहा था फार्मासिस्ट के एग्जाम का किस तरीके से एग्जाम होगा, दूसरी बात ये थी कि हमारी माइक में दिक्कत आ रही थी पुराने वाले लेक्चर्स में, ठीक है, तो माइक में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए माइक ऑर्डर न्यू की थी, तो न्यू वाली अब आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती आवाज की, इवन तो आवाज थोड़ी बढ़िया से आ रही होगी, आई डोंट नो, ये तो बाद में चलेगा पता जब लेक्चर जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा किस तरीके से माइक की आवाज गई है, ठीक है। हाँ, ये बोल रहा था पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं होती है इस पे ऐप पे, आपने क्या करना है, ऐप को अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, और ऐप पे ना लोगो जो होता है ऐप का लोगो वहां पे ना क्लिक करके, जब क्लिक करेंगे वहां पे कैश क्लियर करना है, कैश जो है ये इसको क्लियर करना है, ठीक है, इसको क्लियर करना है, कभी कभी ये भी दिक्कत भी आ सकती है, तो कैश जो है वो क्लियर करना है, स्टोरेज जो मेमोरी होती है स्टोरेज नहीं करनी है, कैश खाली कैश जो है उसको क्लियर करना है। दूसरा जो है ऐप को अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो ऐप को अनइंस्टॉल करना है, दोबारा से इंस्टॉल करना है, तो ये आपकी दिक्कत जो है ये खत्म हो जाएगी। अगर आपको ऐप में दिक्कत आती है कोई भी, जैसे आप किसी कोर्स में, आपके कोर्स में पीडीएफ नहीं दिख रही है या आपका डाउनलोड नहीं हो रही है, तो दिक्कत क्या होती है, आपकी जो कैशेज हो वो आपका क्लियर वो हो जाता है, फुल हो जाता है, तो उस टाइम में उसको क्लियर करना होता है। दूसरी बात है ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना होता है, उसमें कोई चक्कर नहीं है कि आपने कोर्स लिया है दोबारा कोर्स दिखेगा, वो दिख जाएगा, आप जितनी मर्जी अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि वो आपका नंबर एक बार रजिस्टर हो गया वो हो गया, ठीक है। और आपको अगर लैपटॉप पे एक्सेस चाहिए लैपटॉप पे भी, ठीक है, आपका जो आपने एक बार कोर्स लिया उसका आप एक्सेस लैपटॉप पे भी चला सकते हैं, आईपैड पे भी चला सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मोबाइल में भी चला सकते हैं, तो तीनों चारों कहां से भी चलना है, लैपटॉप पे करना है तो वेबसाइट से करना पड़ेगा, वेबसाइट आपका लिंक नीचे हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, मोबाइल का आपका सीधा टारगेट जेके एग्जाम ऐप डाउनलोड करनी, वहां से आईपैड के लिए आपको अलग से लिंक दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कोड हमारा है ROFOQ, ठीक है, तो वहां पे जाके आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, होपफुली यू लाइक द लेक्चर, इफ यू लाइक द लेक्चर देन काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी और इसका ऐप का भी, कोर्सेज का सब कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद। लेक्चर इंपॉर्टेंट था जेके एसएसबी के अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में। जीके मैराथन क्लासेस चल रही है तो इंपॉर्टेंट है कि जीके मैराथन की क्लासेस सबने क्या करना है, देखनी है। वो देखने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट बनेगा। मैं आज भी बोल रहा हूं मतलब डोगरी में आज भी बोल रहा हूं, आज भी बोला ना, ठीक है, आज भी बोला ना, कल भी बोला ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि क्या लेक्चर पूरे देखने हैं, पूरे देखने हैं जीएस मैराथन क्लासेस। मैं ये नहीं चाहता कि आप कल को ये बोलें कि सर दो नंबर से रहेंगे, वो जीके गलत हो गया, ठीक है, तो वो गलत नहीं होने देना हमने। ये 40 नंबर आप ये मान के चलिए कि भाई जीके मेरा होल्ड है, ठीक है। आप मेरे को बोलोगे कंप्यूटर पढ़ाओ तो मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, ऑल्दो मेरी इंजीनियरिंग में हमने कई बार कंप्यूटर की क्लासेस भी ली हैं, उस तरीके से पढ़ा भी है हमने इंजीनियरिंग में, बट मैं कभी कंप्यूटर की क्लासेस नहीं ले सकता। टॉपिक बता सकता हूँ क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतनी किताबें भी लिखी हैं, बाकी चीजें भी हैं, बट पढ़ा नहीं सकता मैं जीके। जो मर्जी बोलोगे जिसकी मेरे में कमांड है मैं वही चीज पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो बेटर एंड बेस्ट ही होगा मेरे तरीके से, बाकी क्या है बेस्ट है वो आप खुद जानते हो। आई एम द जो भी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।